रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी, आप सेशन को रिकॉर्ड कर लें। तो बेसिकली आज हम अपना एडवांस एक्सेल की जो क्लास है उसको स्टार्ट कर दे, राइट सर। और इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम यूज करें एक्सेल सर। सबसे पहले हम बात कर देते हैं थोड़ी सी बेसिक आर्किटेक्चर के बारे में, हमारा सिस्टम का बेसिक आर्किटेक्चर क्या है। तो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है उसमें हमारे एक फाइल होता है, फाइल में हमारे पास यहाँ पे जो रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो हर एक का अपना एक एड्रेस होता है सर। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है उसको C3 जी। और एड्रेस क्यों होता है अब इस चीज की जानिए। देखिए जो भी हम टाइप करते हैं वो एक सेल के अंदर टाइप होती है, ठीक है। 25 and 30 और एंटर प्रेस किया, 55 आ गया। हाँ जी। अब इसमें क्या होगा कि मैं मैन्युअली लिख दिया, अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो अपने आप में चेंज नहीं करेगा। करेक्ट सर। तो इसके लिए हम इसका रेफरेंस लेते हैं कि 25 plus 35। करेक्ट। अभी हमने जैसे यहाँ पे क्या ले लिया, B3 ले लिया। B3 क्यों ले लिया, क्योंकि इसी सीट का था इसलिए मैं B3 ले लिया। अब और शीट का होता है तो शीट का नेम, या किसी और फाइल का होता तो उस फाइल का भी नेम हम ले दें। जी सर। ओके करेक्ट सर। अब यहां कुछ भी चेंज होगा तो अपना चेंज कर देगा सिस्टम। ओके हाँ जी। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए इस बात को, जैसे कि अब यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स मैनुअली लिख देता हूं मैं, ऐसा मान लीजिए कि नीचे पे बहुत ज्यादा नंबर्स हैं और मुझे हर नंबर में 20 ऐड करना, हर नंबर में क्या करना, 20 ऐड करना, 20 ऐड करना। हमने इक्वल किया प्लस किया 20, हम इक्वल A1 plus 20 लिखा। ओके करेक्ट सर। मानेंगे तो रिजल्ट आए। अब मुझे नीचे A2 के लिए वापस फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, या A3 के लिए फोर्स नहीं। हम ऊपर का फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर जो वैल्यू है, जैसे कि रेफरेंस होता है A2, A1, अब यहाँ पे A2 बन गया क्योंकि एक नीचे आ रहा है, ऐसे ही A3, A4, A5, A6 बन जाता है। तो जो फॉर्मूले के अंदर नॉर्मल कैलकुलेशन हो या कोई फॉर्मूला हो उसके अंदर जो वैल्यू डालते हैं तो अपनी रेफरेंस को इंक्रीज करता है। करेक्ट सर। अब इसमें इसमें आगे ये बढ़ते हैं कि अगर ऐसा बात है तो मैं यहां D20 पे, मैंने D1 पे 20 लिखा, अब मुझे हर एक नंबर में D1 की वैल्यू को ऐड करना है, इक्वल किया प्लस D1 की वैल्यू, और फिर मैं एंट्री करूंगा तो आपके सामने रिजल्ट आ गया। अब मैं क्या इसको ड्रैग करूं नीचे तक तो आपका रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आया, जैसे वहां पे 20 नहीं है, डी पे कोई रेफरेंस पे नहीं, कुछ नहीं है। एग्जांपल जैसे कि ए आपका A1 जो है A2 हुआ, वैसे D1 D2 भी हुआ ना सर। एग्जैक्टली। तो कोई ऐसी चीज है जिसमें बेनिफिट है तो नुकसान भी है, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे इसको कर दिया प्लस 20 तो बेनिफिट क्या है कि हमें एक एक सेल में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं है। पेस्ट या ड्रैग करने सब में लग जाता है। नुकसान ये है कि अगर मुझे किसी एक सिंगल सेल से रेफरेंस लेना है तो अब उसको हम ड्रैग करेंगे तो अपने आप को इंक्रीज कर देंगे। करेक्ट सर। अभी अगर कोई और सोल्यूशन ना मिले तो मुझे मैनुअली एक एक सेल में जाके फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नहीं कर सकते। अगर एक आंसर देता है तो फिर उससे अच्छा है कि मैनुअल टाइप कर दे।
तो यहाँ होता है कि एब्सोल्यूट रेफरेंस, जैसे कि मैंने रो के आगे डॉलर का साइन लगा दिया, अब किसी रेफरेंस में अगर मैं डॉलर का साइन लगा देते हैं तो एक्सेल समझता है कि इसको इंक्रीज नहीं करना है। यहाँ देखिए D1 आपका फिक्स हुआ, करेक्ट सर, ठीक है, लेकिन हमने 1 के आगे डॉलर लगाया हुआ, इसने सिर्फ रो को फ्रीज किया है, मतलब कि मैं ऊपर से नीचे के तरफ अगर फ्रीज करता हूं तो चेंजिंग नहीं होगी। अगर मैं इसको लेफ्ट से राइट के तरफ करूंगा तो देखिए डी जो है हमारा ई बन जाएगा, करेक्ट बन गया सर, हाँ जी आपका डी जो है ई बन गया। अब यही पे एक दिक्कत हो गई, तो आप चाहते हैं आपका फिक्स होगा दोनों तरफ, तो इसमें देखिए हर रेफरेंस का दो पार्ट होता है, रो एंड कॉलम, जो नंबर्स वो आपके रो होते हैं, जो न्यूमेरिक होता है वो आपके कॉलम होते हैं, ठीक है। तो अगर आप रो एंड कॉलम दोनों को, रो एंड कॉलम दोनों को ब्रीच करना है तो दोनों आप कैरेक्टर के आगे भी डॉलर साइन लगा दीजिए या रो के आगे भी डॉलर साइन लगा दीजिए, इसका शॉर्टकट होता है F4, करेक्ट सर। अगर आप नहीं इसी रो करना चाहते हैं, कॉलम करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर बस डिपेंड करता है, राइट सर, राइट सर। आप बात करते हैं कर्सर मूव करने का, तो आप जो है एरो की से कर्सर को मूव कर सकते, करेक्ट सर, कब तक, जब तक आपका स्क्रॉल लॉक ऑन ना हो, और आपने स्क्रॉल लॉक कीबोर्ड से स्क्रॉल लॉक ऑन कर दिया तो अब आपका एरो की से कर्सर मूव नहीं कर रहा है। एरो से क्या मूव करेगा, स्क्रॉल होगा, ये देखिए आपको सर ए स्क्रॉल होगा, तो कभी ऐसा होता है कि एरो से हो रहा है तो यहाँ देख लीजिए यहाँ पे स्क्रॉल लॉक ऑन है, तो आपने कीबोर्ड से स्क्रॉल लॉक को ऑफ कर दीजिए, ऐसी सिचुएशन बनी कि स्क्रॉल लॉक आपको ऑन रखना है फिर ही कर्सर मूव करना, माउस से तो कर ही सकते हैं आप, इसके अलावा एंटर से नीचे आ सकते हैं, शिफ्ट एंटर से ऊपर जा सकते हैं, टैब से आगे आ सकते हैं और सिर्फ टैब से पीछे जा सकते हैं, ठीक है सर। हमेशा रिवर्स का काम करता है, कोई भी ऐसी डेटा हो उसमें रिवर्स का काम करना है तो शिफ्ट का यूज, करेक्ट सर। जो स्क्रॉल लॉक है वो हमें मैन्युअली इनेबल करना होगा, जी हाँ जी, ओके प्रिंट स्क्रीन के बगल में होता है स्क्रॉल लॉक, मैं नम लॉक की बात नहीं कर रहा, मैं स्क्रॉल लॉक की बात कर रहा हूँ, कीबोर्ड में देखिए मिल जाएगा, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं, हो गया हमारा, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब इसमें हाँ ये समझ गया, अब बात लेके मैं इस पर शॉर्टकट की बात कर रहा हूं, तो शॉर्टकट क्यों जरूरी है, देखिए नॉर्मली हर एक ऑप्शन को यूज करने के लिए आपका कीबोर्ड शॉर्टकट भी है और माउस पॉइंटर भी है, जैसे कि मुझे कॉपी करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके भी कॉपी कर सकता हूँ या फिर कीबोर्ड का कंट्रोल सी भी कर सकता हूँ, लेकिन कीबोर्ड से आप काम करते हैं तो ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि 30% तक आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है और तकरीबन 20% आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो जाती है, और इस चीज को मैं भी सपोर्ट करता हूँ, जी हाँ इस चीज को मैं भी सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, करेक्ट ठीक है सर, कोई डाउट तो नहीं है, नहीं सर नहीं, तो ये आगे बढ़ते हैं जी, अब इसमें अगला जो ऑप्शन हमारा आता है वो उसकी हम बात करते हैं, अगला ऑप्शन आता है कि आखिर मुझे कीबोर्ड शॉर्टकट लिस्ट पता कैसे चलेगा, मान लीजिए मुझे अपना कीबोर्ड शॉर्टकट लिस्ट पता कर देखना है कि कैसे देखेंगे किस ऑप्शन में क्या शॉर्टकट, तो इसमें आप कर्सर रखेंगे सर तो आपको दिख जाएगा,
कंट्रोल सी दिख गया सर। तो क्या ऐसे हर एक ऑप्शन के ऊपर हम कर्सर ले जाएंगे और फिर उसका शॉर्टकट देखेंगे? जी नहीं, आप ऊपर जो आपका F1 प्रेस होता है F1 प्रेस कर दीजिए या फिर सर्च बार में सर्च कर सकते हैं। F1 प्रेस करते ही आपको यहाँ एक्सेल का हेल्प खुल के आ जाएगा। 2007 है जो कि ऑफलाइन है, बट 2010 के बाद ये ऑनलाइन हो जाता है, इसलिए कनेक्शन कनेक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने सर्च किया शॉर्टकट, यहाँ पे आपको आ गया कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल। यहाँ पे देखिए आपके शॉर्टकट्स की लिस्ट है। करेक्ट सर। अब मैं अपनी क्लासेस में शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करता हूं, इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है क्योंकि अगर मैं शॉर्टकट प्रेस करूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कर क्या रहा हूं। एग्जैक्टली, समझ गया ना? Correct, sir, correct. पहली क्लास में आपको शॉर्टकट लिस्ट दे दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। करेक्ट। अब शॉर्टकट की बात आती है लिमिटेशन, कि मुझे हर एक ऑप्शन की लिमिटेशन को जानना है, क्योंकि मेरा मानना है किसी की चीज को यूज करने से पहले उसका लिमिटेशन जानना बहुत जरूरी है। अगर लिमिटेशन को आप नहीं जानेंगे तो दिक्कत होगी। तब यहाँ शॉर्टकट के ऊपर जाए और यहाँ लिमिट्स को सर्च करें, ठीक है ना? यहीं पे आपको दिखेगा एक्सेल, यहाँ पे एक्सेलिफिकेशन लिमिट्स, और यहाँ पे हर ऑप्शन की आपकी मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी। करेक्ट सर। ओके, ठीक है सर। ये आपकी मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे, लिमिट को भी आप एक बार अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। तो दो चीजें हैं, एक शॉर्टकट को अपने हिसाब से पढ़ लेना है और एक आपका लिमिट्स को अपने हिसाब से पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कितने शीट ऐड कर सकता हूँ क्या, तो यहाँ पे देखिए आपको पता चल जाएगा। शीट इन द वर्कबुक लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी, तो इसमें याद रखिए कंप्यूटर में हमेशा हम लोग यूज करते हैं उसमें अनलिमिटेड वर्ड नहीं होता सर। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने एक्सेल पे ए लिखा तो ए हमारे मेमोरी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेस कैप्चर तो किया, और मैं ए लिखते जाऊं लिखते जाऊं लिखते जाऊं लिखते जाऊं, कभी तो ऐसा टाइम आएगा जो आपके सिस्टम की मेमोरी फुल हो जाए, क्योंकि हमारे पास आज तक कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं बना जिसमें अनलिमिटेड हार्ड डिस्क अनलिमिटेड रैम हो। करेक्ट सर। तो आजकल तो बढ़ेगा ही, सो करेक्ट सर, अनलिमिटेड वर्ड यूज करते हैं, राइट सर? करेक्ट सर। तो सर आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि 8:15 पे अगली क्लास है और वो लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं,